हेलो दोस्त, रेलवे एलपी सीबीटी 2 परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें हम पहुंच चुके हैं अभी 14 नंबर टेस्ट सीरीज पे, जिसमें हम आज बात करेंगे ऑटोमोबाइल, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और इससे रिलेटेड आपका अगर कोई सिलेबस मैच करता है उसके लिए ये, और ये मिशन 26.5 का है 75 में से, और ये पार्ट बी सिलेबस का है, इम्पोर्टेंट है, क्वालिफाई है केवल। तो यहाँ 75 क्वेश्चन में यहाँ भी बात करेंगे और प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो बहुत लोगों का क्वेरी आ रहा है कि केवल इंग्लिश में करें, कुछ लोग कहते हैं केवल इंग्लिश में करें तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए दोनों को हिंदी इंग्लिश में बनाया जा रहा है। और ये 13 नंबर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक साथ प्ले लिस्ट के रूप में, वहाँ से सारे टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, अपनी ट्रेड, अपनी सब्जेक्ट, बेसिक एंड साइंस इंजीनियरिंग या आपका रीजनिंग जो भी होगा रिलेटेड, तो अवेलेबल वीडियो सारा आपको वहां दिख जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं, लेकिन कुछ क्वायरी आ रहा था ऑटोमोबाइल का, मोटर मैकेनिक का, डीजल मैकेनिक का, तो ध्यान दीजिएगा इसमें आरएसी का भी सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग का भी टॉपिक जुड़ा होता है, क्योंकि जितने भी आजकल के ऑटोमोबाइल हैं उसमें रेफ्रिजरेशन यानी एसी लगा हुआ रहता है, तो एसी का पार्ट भी इसमें आपको इंक्लूड रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहेंगे, तो चलिए इसमें हम बात करेंगे आगे से प्रश्न संख्या 1 से। तो आपने सब्जेक्ट का टॉपिक हेडलाइट देख ही लिया था, लेकिन हमें डिस्कस करना है प्रश्न संख्या 1 से, जिसमें इंजन की बात करते हैं। तो इंजन आप जानते ही है, कोई भी इंजन होता है तो दो टाइप के इंजन का नाम आपको पहले ही नाम बताया गया है कि आपने शुरू से ही पढ़ते होंगे, तो आईसी इंजन और सीआई इंजन बोलते हैं। तो इंटरनल कंबशन इंजन और सीआई इंजन को दोनों को अलग अलग अगर अलग अलग बात कर दिया जाए, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे आईसी का। तो इसे इग्निशन कंबशन इंजन बोलते हैं या कहते हैं, और ये जनरली पेट्रोल इंजन होता है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा इंजन होता है सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन के टाइप पे काम करता है, इसे बोलते हैं डीजल इंजन। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा, जब भी आईसी बात हो तो पेट्रोल की बात होगा, सीआई की बात होगा तो डीजल इंजन की बात होगा, और साथ में इसी के साथ रिलेटेड प्रश्न को लेकर चलते हुए चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है एक आईसी इंजन में ऊष्मीय दक्षता होती है। तो आईसी इंजन देख लिए आपने, क्या बताना है, पेट्रोल इंजन है, और इसकी दक्षता क्या होती है उसके बारे में पूछ रहा है क्या होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 10 से 15%, 15 से 20%, सी आपका 20 से 25%, और डी है 35 से 40%। तो राइट आंसर आपके चॉइस में, तो पेट्रोल इंजन या आईसी इंजन की दक्षता कहें तो 35 से 45% के बीच होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी है। तो राइट आंसर आपका डी है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे गैस। एक गैस इंजन किस चक्र साइकिल पे या चक्र या साइकिल पे काम करता है। तो गैस इंजन की बात पूछ रहा है यहाँ पे, तो पहला देख सकते हैं ऑटो साइकिल है, दूसरा डीजल साइकिल है, तीसरा सेमी डीजल है, और तीसरा कर्नोट साइकिल है। तो ये चार ही साइकिल होते हैं जनरली, उसमें से चारों का नाम मिल गया, और बताना है आपको गैस इंजन की कौन सी साइकिल होती है। तो आप आपका आंसर दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ प्रश्न बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोगों का ये भी क्वायरी था कि आंसर लास्ट में बताएं, क्योंकि हम अपनी टेस्ट भी करते चलें, तो टेस्ट कर लिए होंगे लोगों ने, तो इसका साइकिल होता है ऑटो साइकिल। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ये है। उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलेंगे आईसी इंजन के बारे में। तो आईसी इंजन परिवर्तन करता है किसको, किस में परिवर्तित करता है उसके बारे में यहाँ बताना है। तो कई जगह मैंने देखा ही लिखा हुआ मिला है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, हाइड्रो टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू हीट, और हीट टू मैकेनिकल। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ बताना है कौन सा होता है। तो कई जगह मैंने देखा है मैकेनिकल टू हीट एनर्जी राइट आंसर मिला है, लेकिन हमारे अनुसार से ये हीट टू मैकेनिकल एनर्जी होता है आईसी इंजन में कन्वर्ट करने का। तो मेरा राइट आंसर डी, और अगर आपको लगता है तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि सी भी आपने कहीं देखा है क्या। तो मैंने बुक में देखा है इसलिए मैं सी को भी बता रहा हूं, लेकिन राइट आंसर यहां डी है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न करेंगे डीजल इंजन। डीजल इंजन जलता है कब, यानी डीजल इंजन में डीजल कब जलता है उसके बारे में बताना है। तो पहला है स्पार्क प्लग से, दूसरा उच्च संपीडन यानी हाई कंप्रेशन से, तीसरा इंजेक्टर से, और तीसरा है कह रहा है मैग्नेटो से। तो इसमें से कौन से में जलता है वो बताना है।
तो आप डीजल इंजन की बात बोलेंगे तो सीआई इंजन बात किए थे, तो सी में पहला टर्म क्या था? कंप्रेशन ही तो है, कंप्रेशन इग्निशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाई कंप्रेशन लिखा हुआ है, यानी उच्च संपीड़न से डीजल जलता है, इसलिए इसे सीआई इंजन भी बोलते हैं। तो राइट आंसर आपको यहाँ जवाब मिल जाना चाहिए, राइट आंसर यहाँ पे बी है, और यहाँ पे डी था, यहाँ पे आपका ए था ऑटो साइकिल। तो ध्यान देते जाइएगा, प्रश्न अपना कलकुन रूट करते जाइएगा। उसके बाद हमारे पास 5 नंबर सवाल है। तो 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, समान संपीड़न अनुपात यानी कंप्रेशन रेशियो, इक्वल कंप्रेशन रेशियो पर किस चक्र की ऊष्मीय दक्षता थर्मल इफिशियंसी अधिक होगी, वो बताना है यहाँ पे। तो पहले आपका है ड्यूल कंबुशन साइकिल, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, और सभी के द्वारा किसमें सबसे अधिक होता है? तो सभी में तो इक्वल नहीं होता, इसलिए इसमें से एक आपको राइट आंसर पिक करना है कि कौन सा सबसे अच्छा है। तो कंप्रेशन पे, बराबर कंप्रेशन चक्र पे ऊष्मीय दक्षता यानी थर्मल इफिशेंसी सबसे ज़्यादा होती है ऑटो साइकिल का, और यहाँ पे राइट आंसर आपका है सी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न का। 6 नंबर और 7 नंबर प्रश्न आप देखते चलेंगे। तो 6 नंबर में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आईसी इंजन के किस भाग में सर्वाधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? ध्यान दीजिएगा, आईसी इंजन है पेट्रोल इंजन, उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है पिस्टन में, दूसरा कह रहा है सिलेंडर हेड में, तीसरा पिस्टन हेड और क्राउन में, और डी कह रहा है पिस्टन रिंग में। तो कोई भी इंजन होता है तो आपने देखा होगा, एक पिस्टन होती है, पिस्टन को मूव करने के लिए क्रैंक शाफ्ट होता है, करने आपका ये पिन होता है, इसके साथ शाफ्ट जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे आपका रिंग लगे हुए रहते हैं पिस्टन के ऊपर, और पिस्टन के ऊपर होता है हेड। तो जब भी ये पिस्टन नीचे ऊपर मूव करता है, उस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा पावर डेवलप कहाँ पे होता है? हेड पे होता है, और ये राष्ट्र आंसर इसमें भी है, पिस्टन हेड और क्राउन के बीच में सबसे ज़्यादा पावर डेवलप होता है, क्योंकि ईंधन इसी पार्ट पे जलता है, इसके बाद से एग्जंक्शन बाहर की तरफ होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, आईसी इंजन में क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को जोड़ता है। तो हमने यहाँ वीडियो में अभी पिक्चर हमने बना लिया था, तो थोड़ा सा इसी को हाईलाइट कर लेते हैं। इसे बोल रहे हैं क्रैंक शाफ्ट, इसे बोल रहे हैं हम कनेक्टिंग रड, और ये है पिस्टन। तो यहाँ अब इसी सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। पहला है इनलेट क्रैंक कैम शाफ्ट है, दूसरा क्रैंक शाफ्ट है, तीसरा कनेक्टिंग रड है, और तीसरा क्या है? स्पार्क प्लग है। तो यहाँ शाफ्ट और पिस्टन के बीच में एक लगता है जिसे बोलते हैं कनेक्टिंग रड। तो राइट आंसर यहाँ पे 7 का आपका सी है, कनेक्टिंग रड राइट आंसर है। और कनेक्टिंग रड और शाफ्ट को पिन किससे जोड़ा जोड़ा जाता है? एक गजल पिन लगती है, ध्यान दीजिएगा, गजल पिन द्वारा इसे जोड़ा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार प्रश्न में आ जाता है, तो उसको याद रखना है। तो राइट में हमारा सी आंसर मिल चुका है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक जेट इंजन में वायु और ईंधन, एयर और फ्यूल का अनुपात क्या होता है, वो बताना है। पहला है 10.1, दूसरा 12.1, तीसरा है 10.15, और तीसरा है 15.1 डी। तो एयर सबसे ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले सी आंसर नहीं होगा किसी भी हालत में, किसी भी टाइप के इंजन हो। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है कौन सा ज़्यादा होगा। तो आप देख ले एक बार आंसर और अपना आंसर दे दें, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो जेट इंजन में एयर फ्यूल का अनुपात क्या होता है? तो राष्ट्र आंसर आपके तरफ से आ गया होगा, तो मेरा आंसर रहेगा डी, 15:1 होता है, यानी 15 भाग एयर और 1 भाग फ्यूल मिल के जलता है जेट इंजन में। और जेट इंजन किस टाइप में होते हैं? एरोप्लेन वगैरह में ये जेट इंजन लगाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अगले टॉपिक पे हम चलेंगे अगले स्लाइड में। तो अगला हमारा टॉपिक और स्लाइड का क्वेश्चन आएगा 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न आप देखें गैस टरबाइन से रिलेटेड है। तो पूछ रहा है कि गैस टरबाइन चक्र पर आधारित होती है, किस चक्र पे काम करता है? ये आपको बता रहा है बेटरान चक, दूसरा डीजल साइकिल, तीसरा कर्नोट साइकिल, और इनमें से कोई नहीं डी। तो आप आंसर जल्दी से दे दें, इसके बाद बात करेंगे। तो कर्नोट साइकिल, डीजल साइकिल, बेटरान चक्र, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका इंतज़ार है, चलिए हमारे तरफ से आंसर ये है, बेट्रॉन साइकिल पे काम करता है, किसका? गैस टरबाइन का। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में इंजन के पहियों के जोड़ने वाले शाफ्ट
का नाम क्या है। देखो पहिए के जोड़ने की बात कर रहा है, तो हमने अभी एक पिक्चर बनाया था, थोड़ी सी बनाया था इंजन का। तो हमने पहले बनाया था पिस्टन, पिस्टन के बाद क्रैंकशाफ्ट, ओ कनेक्टिंग रड, उसके बाद क्रैंकशाफ्ट, और शाफ्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है, पहिया, व्हील। तो कुछ इस तरह के आपका स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है व्हील शाफ्ट जुड़ा रहता है, क्रैंक शाफ्ट जुड़ा रहता है, लोडर रहता है, पिस्टन शाफ्ट जुड़ा हुआ रहता है, क्या जुड़ा रहता है उसको बताना है। तो जो हमारा ये बीच का भाग है, ये हो गया कनेक्टिंग रड, ये भाग है क्रैंक शाफ्ट, और क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है क्या, पहिया। तो ये राइट आंसर यहाँ पे आपका बी, व्हील के साथ जुड़ा हुआ रहता है क्रैंक शाफ्ट, और क्रैंक शाफ्ट व्हील का दोनों का मूवमेंट होता है मैकेनिकल के लिए। तो लास्ट आंसर यहाँ पे बी है आपका। उसके बाद अगले नंबर 11 नंबर प्रश्न पे, तो 11 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है एक आईसी इंजन, आईसी इंजन में को सीआई इंजन यानी पेट्रोल और डीजल इंजन को अलग करता है, कौन सा पार्ट होता है जो दोनों को देख के ही बता दिया जाए कि ये आईसी इंजन है, दूसरा सीआई इंजन है। पहला कह रहा है पिस्टन और सिलेंडर, दूसरा कह रहा है फ्यूल पंप, तीसरा कह रहा है कार्बोरेटर, और चौथा कह रहा है आपका फ्यूल इंजेक्टर। किसको देख के बताया जा सकता है कि ये डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है? तो मिक्सर, आपने सुना होगा मिक्सर का काम कौन कर, एयर और फ्यूल का मिक्सर कहाँ होती है? तो आपने सही जवाब अगर दे दिया होगा तो वो होता कार्बोरेटर में, और एयर और फ्यूल का मिक्सर ही काम करता है कार्बोरेटर, और यही फंक्शन है पेट्रोल इंजन का, जो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है, डीजल इंजन में नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि हम कार्बोरेटर को देख के कह सकते हैं कि वो इंजन पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन नहीं है। तो राइट आंसर सी है। उसके बाद 12 नंबर सवाल है जिसमें पूछ रहा है किस चक्र में बढ़ते हुए लोड से दक्षता यानी इफिशियंसी घटती है। तो इसमें पूछ रहा है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, करनोट साइकिल और गैस साइकिल, किसमें कम होता है? लोड बढ़ता है तो इफिशियंसी कम होती है, यानी मशीन की दक्षता कम होती है, यानी मोटर की दक्षता कम होती है, या वो ऑटोमोबाइल की दक्षता कम होती है, किस साइकिल में वो आपको बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले बात है डीजल साइकिल, ये राइट आंसर है इसका बी। उसके बाद अगले में हम चलेंगे प्रश्न संख्या 13 में। तो प्रश्न संख्या 13 आपका है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न है। तो इसमें बोला है इंजन का संपीड़न अनुपात होता है यानी कंप्रेसर अनुपात या कंप्रेशन रेशियो क्या होता है वो बताना है। तो एक रेशियो है जिसको बताना है, और थोड़ी सी इसको रेशियो को बताने के लिए थोड़ी सी हम स्लाइड को छोटा कर दें। तो यहाँ देख सकते हैं VC लिखा हुआ है क्लियरेंस वैल्यूम, और VS लिखा हुआ है स्विफ्ट वैल्यूम। तो दोनों बहुत ज़रूरी होता है, दोनों के रेशियो में ही क्लियर विषय में बताना होता है। तो पहला कह रहा है CR कंप्रेशन रेशियो बराबर VC बराबर VS, दूसरा कह रहा है VS प्लस VC डिवाइडेड बाई VC, और तीसरा कह रहा है 2VC बराबर 2VC डिवाइडेड बाई VS, और लास्ट में कह रहा है VS माइनस VC डिवाइडेड बाई VS यानी क्लियरेंस वैल्यू माइनस स्विफ्ट वैल्यू, स्विफ्ट वैल्यू माइनस क्लियरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय स्विफ्ट वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा क्लियरेंस वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो नीचे के टर्म में होता है, और क्लियरेंस वैल्यू यानी VC प्लस VS डिवाइडेड बाय VC ये होता है कंप्रेशन रेशियो इंजन में, और कोई भी इंजन हो उसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 13 का आंसर मिलेगा बी, राइट आंसर है आपका बी। तो उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलेंगे 14 नंबर पे। तो 14 नंबर कह रहा है कि टू व्हीलर व्हीकल यानी दो व्हीलर दो पहिए वाली गाड़ियों में किस प्रकार का इंजन प्रयुक्त होता है उसके बारे में पूछ रहा है, और यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों आंसर को कॉम्बिनेशन बनाना है। पहला कह रहा है टू स्ट्रोक इंजन, उसके बाद दूसरा कह रहा है फोर स्ट्रोक, फिर कह रहा है एयर कूल्ड, और चौथा कह रहा है वाटर कूल्ड। तो सबसे पहले वाटर कूल्ड हटा दीजिएगा, उसके बाद ही ऑप्शन पे बात कीजिएगा, क्योंकि वाटर कूल्ड मोटरसाइकिल वगैरह में नहीं यूज होता है, ये आपका कार से लेके ऊपर वाले जितने भी सिस्टम होते हैं उसमें वाटर कूल्ड इंजन का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पे आंसर बच गया 3, तो इसमें से बताना है 1, 2 होगा, उसके बाद 1, 2, 3 होगा, 2, 1 और 3rd होगा, और 1, 3rd और 4th किस में होगा। तो 4th हमने पहले हटा दिया, तो यहाँ भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुछ इंजन 2 स्ट्रोक होते हैं, कुछ 4 स्ट्रोक होते हैं, यानी बाइक
आपका मोटरसाइकिल भी दोनों टाइप का होता है, और इसको ठंडा करने के लिए एयर कूल्ड होता है, यानी उसमें जो आपका इंजन का हीट स्टिंग होता है जहाँ पे चेंबर बना होता है वो हवा के द्वारा मूवमेंट के द्वारा ठंडा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे है बी, यानी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक और एयर कूल्ड इंजन का प्रयोग किया जाता है 2 व्हीलर में। उसके बाद रेल पथ में फिक्स प्लेट, रेल पथ पर लगाया हुआ फिक्स प्लेट का काम है, तो फिक्स प्लेट के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न कई बार रेलवे में रिपीट कर रहा है, और ये दोनों पहियों को जोड़ना, रूट को बदलने में सहायता करना, दोनों पटरियों को जोड़ना, ध्यान दीजिएगा, रेल पथ को, पॉइंट मशीन को सहायता करना और उपयुक्त में सभी। तो सबसे पहले हम फिक्स प्लेट की बात करेंगे, तो आपका दो रेलवे की पटरी होती है, और इस पटरी को अगर आगे की तरफ बढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंड करना है यहाँ से आगे यहाँ से आगे, तो इस पॉइंट पे लगती है फिक्स प्लेट। तो कह सकते हैं कि दो पटरियों को जोड़ने के लिए लगता है फिक्स पॉइंट। और ये नट बोल्ट देखे होंगे आपने रेलवे में कि फिक्स प्लेट कुछ ऐसा संरचना होता है जिसमें 4 या 6 होल किए हुए रहते हैं, और ये 6 होल पटरी के साथ साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे आपको इधर की पटरी और इधर पटरी को ये सहायता करने में मदद करता है। तो ये फिक्स प्लेट का काम होता है रेलवे में, तो ये दोनों पटरियों को जोड़ने का काम करता है, और राइट आंसर आपके पास है ए। उसके बाद अगले स्लाइड में चलेंगे, तो अगले स्लाइड में हम चलेंगे, तो हमारा प्रश्न नंबर आएगा 16। 15 तक हमने कर लिया, उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछ रहा है किसी वाहन में या व्हील बेस होता है, किसी वाहन में व्हील बेस, बेस की बात कर रहा है, अगले और पिछले पहिए की दूरी, दूसरा कह रहा है बाएं और दाएं पहिए के बीच की दूरी, सी कह रहा है वाहन की संपूर्ण लंबाई, और तीसरा कह रहा है रियल एक्सल की कुल लंबाई, इसमें से कौन सा होता है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ बताने के लिए आपको 2-3 सवालों में देखना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे अगले और पीछे पहिए की दूरी को व्हील बेस कहते हैं, यानी अगर एक गाड़ी आपकी है, कार है, यहाँ किसी वाहन में, मोटरसाइकिल की बात भी कर सकते हैं, तो यहाँ पहला पहिया से दूसरा पहिया की एक्सेल की दूरी है वो उसका व्हील बेस होता है। अगर 4 व्हीलर है तो आगे की पहियों का और पीछे की पहियों का डिस्टेंस ही बोलता है व्हील बेस, पूरी तरह से ये बीस निर्भर करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए है। उसके बाद हम उसी का अगला है, व्हील ट्रैप क्या है, व्हील ट्रैप पूछ रहा है इसमें क्या होता है, व्हील ट्रैप क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन हमने यहाँ इसी से लेंगे, तो पहले है अगले पहिए से दूसरे पहिए की दूरी, दूसरा कह रहा है आपके यहाँ पे दाएं और बाएं पहिए के बीच की दूरी, वाहन का संपूर्ण लंबाई और रियर कुल लंबाई। तो व्हील ट्रैप बोलते हैं दाएं और बाएं पहिए के बीच की दूरी को व्हील ट्रैक बोलते हैं। तो 17 का आंसर आपका बी है और 16 का आंसर आपका ए है। तो एक बार प्रश्न देख ले, अगर इसमें देखेंगे तो 16 का आंसर आपका ए है और 17 का आंसर बी है, तो दोनों आपको यहाँ प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। उसके बाद स्ट्रोक लेंथ क्या है और क्या अर्थ है, इंजन में अगर बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या है। पहले कह रहा है पिस्टन की लंबाई, दूसरा कह रहा है क्रैंकशाफ्ट का एक चक्कर में पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी, सी कह रहा है पिस्टन द्वारा TDC और BDC की दूरी, और इनमें से कोई नहीं, वो बताना है आपको क्रैंकशाफ्ट की स्ट्रोक लेंथ पूछ रहा है, स्ट्रोक लेंथ के टर्म में ही बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, पिस्टन में या पिस्टन द्वारा TDC से BDC की दूरी को बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ जनरली पिस्टन की एक मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ में होता है, तो इस ऊपर नीचे या राइट लेफ्ट जिस टाइप के इंजन का ओरिएंटेशन है उसको पूरी मूवमेंट को ही स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। जितनी दूरी तक ये पिस्टन अप डाउन करता है या लेफ्ट राइट करता है उसको पिस्टन की TDC और BDC के टर्म में दूरी देते हैं। तो राइट आंसर आपका सी है। उसके बाद हम 19 और 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो 19 नंबर आप प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, 19 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है IC इंजन में CC का मतलब क्या होगा। तो आपने भी गाड़ी सुना होगा, 100 CC की बाइक है, 150 CC की बाइक है, 500 CC की बाइक है, तो ये 500 CC है क्या, CC का मतलब क्या है वो पूछ रहा है। तो बोला क्लियरेंस वैल्यू, दूसरा कह रहा है सिलेंडर वैल्यू, सी स्वीप वैल्यू और डी इनमें से कोई नहीं, वो बताना है आपको। तो हमने अभी बात किया था VS और VC, तो हमने VC को क्या बोला था, क्लियरेंस
वैल्यूम और बीएस को क्या बोला था स्विफ्ट वैल्यू, तो लेकिन सीसी का मतलब होता है स्विफ्ट वैल्यू। स्विफ्ट वैल्यू इस इंजन को कैपेसिटी के टर्म में लिखाता है। और एक प्रश्न ऐसे ही इसका आया था आपके पास कि इंजन के टर्म में, तो इंजन के टर्म वाला इसी में प्रश्न देख लेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। इंजन का कंप्रेशन अनुपात देख सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न था कि इंजन का कंप्रेशन अनुपात में क्या होता है, सी आर बराबर क्या था, वी एस बराबर वी सी डिवाइडेड बाई वी सी। तो वी एस क्या था आपका, सी सी के टर्म में लिखा हुआ है और ये है वैल्यूम, है स्विफ्ट वैल्यूम। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप के प्रश्न इंटरलेट करना होता है। तो उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलेंगे। तो 19 नंबर का आपको आंसर मिल गया होगा, तो 19 नंबर का आंसर है आपके पास स्विफ्ट वैल्यू सी आंसर है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, टू स्ट्रोक यानी दो घात इंजन का एक साइकिल पूरा होता है या एक चक्र पूरा होता है कितने में। तो पहला कह रहा है पिस्टन के वन स्ट्रोक में, दूसरा कह रहा है क्रैंक शाफ्ट के वन साइकिल में, सी कह रहा है क्रैंक शाफ्ट के टू साइकिल में, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको इनमें से कौन से सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रैंक शाफ्ट से ही जुड़ा हुआ होता है पिस्टन, और पिस्टन की स्ट्रोक क्रैंक शाफ्ट के वन साइकिल में पूरा होता है, उसी को बोलते हैं आपका टू स्ट्रोक इंजन की। तो अगला प्रश्न है आपका रेफ्रिजरेशन से 21 नंबर, जिसमें पूछ रहा है एक टन रेफ्रिजरेशन का बराबर होता है कितनी यूनिट के बारे में बता रहा है। तो ये आंसर है 4.2 किलो जूल पर मिनट, बी कह रहा है 4.2 किलोवाट, तीसरा कह रहा है 3.5 किलोवाट, और डी कह रहा है आपको यहाँ पे 775 वाट। तो कौन सा होता है एक टन रेफ्रिजरेशन, तो एक टन यूनिट रेफ्रिजरेशन की होती है। पर कई बार पूछ जाता है रेफ्रिजरेशन की यूनिट किस में लिखी जाती है, तो टन में लिखिएगा याद, और एक टन बराबर यहाँ बताना है। तो एक टन बराबर 3.5125 ऐसा किलोवाट के इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ पे सी है। और इसे बोलते हैं मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल किलोवाट, ध्यान दीजिएगा टन मैकेनिकल किलोवाट है और किलोवाट यहाँ जो दर्शाया गया है वो इलेक्ट्रिकल किलोवाट है। उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी है। तो उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे प्रशीतक, ये भी आपका एक रेफ्रिजरेंट का प्रश्न है। एक प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाले रेफ्रिजरेंट होना चाहिए, क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ बताना है। तो पहला कह रहा है हाई लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, दूसरा हाई सेंसिबल हीट उच्च संबंध ऊष्मा, लो सेंसिबल हीट निम्न संबंध ऊष्मा, और लो लेटेंट हीट यानी निम्न गुप्त ऊष्मा। तो इसमें से कौन सा होना चाहिए वो बताना है। तो रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी आप जानते हैं, जितना अगर लेटेंट हीट जाता हो ज़्यादा होगा उतना उसकी प्रॉपर्टी अच्छा होगी। तो यहाँ कह सकते हैं कि राइट आंसर ये है हाई लेटेंट हीट यानी ज़्यादा गुप्त ऊष्मा होनी चाहिए। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है हीट इंजन की दक्षता सदैव होती है, ये बताना है हीट इंजन की दक्षता सदैव क्या होती है, एक, एक से कम, एक से अधिक, और ए आर सी दोनों, यानी कह सकते हैं एक या एक से अधिक। तो कौन सा होता है बताना है आपको हीट इंजन की इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी सबसे ज़्यादा कब क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा एक से कम होती है, यानी हीट इंजन के टर्म में बात करेंगे तो इफिशियंसी इसकी एक से हमेशा कम होती है। 23 नंबर प्रश्न खत्म। अब उसके बाद चलते हैं 24 नंबर प्रश्न में। तो 24 नंबर प्रश्न में आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेट्रोल इंजन। तो यहाँ पूछ रहा है पेट्रोल इंजन सर्वप्रथम पहचाना गया था किस में और कैसे पहचाना जाता है। तो लगभग ये सवाल हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, पेट्रोल इंजन सर्वप्रथम पहचाना जा सकता है किसको देख के। कह रहा है यहाँ पे सिलेंडर साइज का, पावर आउटपुट का, स्पार्क प्लग का, एयर क्लीयरेंस साइज का। तो हम पहले कार्बोरेटर की बात किए थे और करीब करीब उसी से रिलेटेड ये भी है स्पार्क प्लग कर आपका पेट्रोल इंजन में लगा हुआ होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी है, और कार्बोरेटर भी लगा हुआ होता है साथ में स्पार्क प्लग दोनों लगे होते हैं। उसके बाद 25 नंबर बात करेंगे प्रश्न का, जिसमें पूरा पिस्टन कंप्रेसर रिंग बना होता है, पिस्टन में कंप्रेसिंग रिंग जो हमने अभी बात किया था। पिस्टन एक ऐसा संरचना है इसमें एक ग्रुप्स कटे हुए रहते हैं जिसमें छल्ले पड़े हुए रहते हैं, और ये छल्ले करीब करीब 4-5 होते हैं। तो इस छल्ले किस मटेरियल के बना होता है
उसको बताना है। तो पहला कह रहा है कास्ट आयरन, दूसरा कह रहा है ब्रास, तीसरा कह रहा है एल्यूमिनियम और चौथा कह रहा है स्प्रिंग स्टील। इनमें से कौन से बने होते हैं वो बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बने होते हैं कास्ट आयरन की। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ये है, ना ब्रास, ना एल्यूमिनियम, ना स्प्रिंग स्टील, ढलुआ लोहा यानी कास्ट लोहा से बना हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास है इंजन एवं गियर बॉक्स के मध्य क्या स्थित होता है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये जो ड्राइव करते हैं उन्हें पता है, आपका इंजन और गियर बॉक्स यानी कह सकते हैं कि पहिए पे जो लोड ट्रांसफ़र करने के लिए गियर बॉक्स लगा होता है उसके बीच में क्या लगा हुआ होता है। तो यहाँ बनाना है पैरेलल शाफ्ट है, डिफरेंशियल गियर है, तीसरा क्लच है और तीसरा रिडक्शन गियर है। तो कौन सा बात होता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर होता है क्लच। क्लच ऐसा है जो इंजन को फ्री करता है गियर बॉक्स से, यानी आप जब क्लच को प्रेस करते हैं तो आपकी इंजन रनिंग रहती है लेकिन आपका व्हील पे लोड ट्रांसफ़र नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, व्हील पे लोड ट्रांसफ़र नहीं होगा, उस युक्ति को बोलते हैं क्लच, यानी गियर को फ्री कर देता है और लोड इंजन पे लोड जीरो हो जाता है, केवल वो इंजन चल रहा है उससे पहिए का लोड नहीं जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, डीजल की ऊष्मीय मान पूछ रहा है क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे आप ये देखेंगे तो 65 किलो कैलोरी पर केजी है, दूसरा 75 किलो कैलोरी पर केजी है और डी आपका सी है 80 किलो कैलोरी पर केजी और डी है आपका 10,775 किलो कैलोरी पर केजी। तो हम सबसे पहले आपको यहाँ हिंट के रूप में एक लिख रखे हैं, 45 किलो जूल पर केजी होता है। ध्यान दीजिएगा लगभग लगभग डीजल की ऊष्मीय मान, तो 45 को आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किलो कैलोरी पर केजी में। तो 45 को सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45,000, ठीक है। लेकिन एक किलो कैलोरी बराबर कितना किलो जूल होगा ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये पता है एक किलो कैलोरी बराबर कितना किलो जूल होता है, 0.239, जो कहते हैं ना 4.2 वाला रेशियो है उसको रिवर्स करना है, 1 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा 2.39 और इससे अगर भागा इसे दे दे 0.239 तो ये आएगा 10,775 किलो कैलोरी पर केजी। तो ग्राम को अब केजी में दोनों में ध्यान रखना है, किलो जूल में रखना है, किलो कैलोरी में भी याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास 28 नंबर प्रश्न। तो 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पेट्रोल इंजन के ऊष्मीय मान क्या होता है, पहले डीजल का पेट्रोल का। तो यहाँ भी आप आंसर देख लें, आपका ऑप्शन देख लें, 7650 किलो कैलोरी पर के जी, 8,000 से 8,850 किलो कैलोरी पर के जी, उसके बाद कह रहा है 11,000 से 12,000 किलो कैलोरी पर के जी और 12,775 या वो इससे ज़्यादा किलो कैलोरी पर के जी। तो यहाँ भी आपके लिए हिंट हमने लिख दिया था, 50 किलो जूल प्रति ग्राम होता है डीजल इंजन के, नहीं पेट्रोल इंजन का, और डीजल का 45 किलो ग्राम होता है। तो फिर ये उसी अनुसार से आप कैलकुलेट कर लेंगे, 50 गुना 1000 और गुना 0.239 जो हमारा किलो कैलोरी का कन्वर्सन है, तो ये लगभग लगभग आएगा आपका 11,950 किलो कैलोरी पर केजी। तो राइट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ सी में आपका बना हुआ है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन का सी में है। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है 29 नंबर। तो 29 नंबर प्रश्न में आप जाएंगे तो निम्नलिखित में कौन सा चेचिस का भाग नहीं है वो बताना है। पहला कह रहा है व्हील पहिया, दूसरा कह रहा है फ्रंट एक्सल, तीसरा कह रहा है रियर एक्सल और तीसरा कह रहा है पैसेंजर सीट चौथा में। तो चेचिस होता है आपका स्ट्रक्चर कह सकते हैं, कोई भी व्हीकल का एक स्ट्रक्चर है वो चेचिस है, और चेचिस में पैसेंजर सीट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको सुविधा के लिए बाद में बनाया जाता है। तो चेचिस में पार्ट होता है व्हील ज़रूरी है, फ्रंट और रियर एक्सल ज़रूरी है, और भी पार्ट होते हैं लेकिन पैसेंजर सीट आपका उसका इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कार के अधिकतर प्रकार में कौन सा इंजन होता है, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, रोटरी व्हीकल इंजन और
फ्री पिस्टन इंजन कौन सा प्रकार ज़्यादा होता है जनरल केस में बात करें तो टू स्ट्रोक इंजन रेयर यूज होता है, कभी नहीं यूज होता है आपका कार इंजन में यानी फोर व्हीलर में, तो यहाँ पे यूज होता है फोर स्ट्रोक इंजन। तो राइट आंसर आपके पास है बी। लेकिन अगर मोटरसाइकिल और इस छोटे वाले टर्म में बात करेंगे तो यहाँ दोनों यूज होता है फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक इंजन, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे तो 31 नंबर प्रश्न पूछेगा, तो 31 नंबर प्रश्न हमारा है 31 नंबर प्रश्न है पेट्रोल इंजन का CR वैल्यू कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। तो हमने पहले सबसे पहले जेट इंजन के बात कर लिया था, तो जेट इंजन में 15.1 था, अभी 15.1 था, अब यहाँ बात बताना है पेट्रोल इंजन के बारे में, तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है वो बताना है। तो 5 से 10, दूसरा कह रहा है 8 से 12, तीसरा 6 से 8 और यहाँ 9 से 11। तो यहाँ लगभग लगभग रेशियो बराबर होता है पेट्रोल इंजन में, तो बराबर सबसे अच्छा कौन सा दिख रहा है 6 से 8, यानी एयर और फ्यूल का मिश्रण लगभग लगभग बराबर होता है पेट्रोल इंजन में। तो राइट आंसर आपका सी है 6 to 8। उसके बाद डीजल इंजन का कंप्रेसर रेशियो क्या होता है, क्योंकि तीनों इंजन का लगभग लगभग आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो, जिसको संपीड़न अनुपात बोलते हैं, कौन सा होता है 32 नंबर प्रश्न में है। तो यहाँ ज़्यादा होता है, तो यहाँ देखिए 10 से 15, 16 से 22, 15 से 28 और 13 से 20। तो ध्यान दीजिएगा डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है 16 से 22 के बीच में। तो तीनों चीज़ मिल गया, 15 और एक जेट, यानी जेट में कह सकते हैं फ्यूल कम रहता है आपका, एयर बहुत ज़्यादा रहता है पेट्रोल इंजन में, लगभग लगभग दोनों बराबर होते हैं 6 से 8 में, मतलब 6 आपका अगर है, और डीजल इंजन में कहें तो रेशियो 16 और 22 का होता है कंप्रेशन रेशियो का। तो फ्यूल का कंप्रेशन रेशियो आपका है फ्यूल के टर्म में नहीं, यहाँ है यहाँ कंप्रेशन में कितना कंप्रेस करता है। तो जेट में हमने जो बात किया था एयर और फ्यूल का किया था, और यहाँ कंप्रेशन रेशियो है 6 to 8 और 16 to 20। तो ये ध्यान दीजिएगा मिक्सर की बात नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा हमें गलती मिस्टेक यहाँ हो रहा है, CR रेशियो है कंप्रेशन रेशियो है, तो हम यहाँ जेट इंजन वाले टॉपिक को ही इसमें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, बस कंप्रेशन रेशियो 6 to 8 और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 16 to 22 है। उसके बाद अगला है स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग द्वारा पेट्रोल इंजन में उत्पन्न विभव का मान क्या होता है। तो पहला कह रहा है 500 से 1000 वोल्ट, दूसरा 1000 से 8000 वोल्ट, दूसरा है सी आपका है 12000 से 20000 और डी है 5000 से 8000 वोल्ट। तो ध्यान दीजिएगा स्पार्क प्लग में नॉर्मल एक बैटरी से सप्लाई दी जाती है, और बैटरी की सप्लाई को ये क्या करता है, बढ़ाता है, एक्सपेंड करता है, बहुत ज़्यादा करता है। तो ये एक्सपेंड करके लेके आता है 12000 से 20000 वोल्ट तक के लिए, जो बहुत हाई रेंज होती है स्पार्क प्लग की वोल्टेज। तो ध्यान दीजिएगा 12000 से 20000 वोल्टेज, जैसे टीवी में होता है आपका, टीवी सिस्टम में होता है तो ब्लास्ट करके उसको वोल्टेज को CRT में बहुत बढ़ा दिया जाता है, उसी तरह यहाँ स्पार्क प्लग का काम है। उसके बाद हम 34 नंबर प्रश्न का बात करेंगे, तो यदि डीजल इंजन में पेट्रोल डाला जाए तो क्या होगा। इंजन सेम है, डीजल इंजन है, लेकिन उसमें पेट्रोल डाल के चलाया जाता है तो क्या होगा। पहला कह रहा अत्यधिक नोकिंग होगी, दूसरा कह रहा दक्षता कम होगी, तीसरा कह रहा है इंजन स्टार्ट नहीं होगा, चौथा कह रहा है सफ़ेद धुआं निकालेगा। तो कौन सी होगी ये बताना है आपको। तो 34 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा डीजल और पेट्रोल की दोनों की क्या होती है, कंप्रेसर और नॉकिंग रेशियो अलग अलग होता है। तो नॉकिंग रेशियो अधिक होगा तो अत्यधिक नॉकिंग होगा किस में, इंजन में। तो राइट आंसर आपके पास यहाँ पे ये है, बाकी और चीज़ें पे बाद में बात होगी, इससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है डीजल पेट्रोल से। तो यहाँ पे अत्यधिक नॉकिंग होगी। उसके बाद है 35 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है निम्न में से थ्योरेटिकल रूप में अत्यधिक इफिशियंसी किसकी होगी, गैस इंजन की, फोर स्ट्रोक SI इंजन की, सी कह रहा है टू स्ट्रोक SI इंजन की, और डी कह रहा है CI स्टीम इंजन की, इसमें से कौन सी होगी। तो 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है CI स्टीम इंजन की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सारे ऑप्शन में से राइट आंसर डी है। उसके बाद हमारे पास 36 नंबर प्रश्न है गियर, बहुत ज़रूरी है गियर चेंज करना पढ़ाई के लिए, अभी बहुत 25 दिन बचा हुआ है, 25 दिन से कम है, तो आपको भी गियर चेंज करना है, और उसी लिए 75 क्वेश्चन दिन भर की मेहनत आपके साथ प्रस्तुत है। तो आपको भी गियर चेंज करना है 1 नंबर से 4 नंबर में,
लेकिन यहाँ भी पूछ रहा है गियर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो यहाँ पहला आंसर है पावर हस्तांतरण में, दूसरा है ट्रंक टॉर्क ट्रांसमिशन में, तीसरा स्पीड परिवर्तन में और लोड बढ़ाने में। तो ये बड़ा आश्चर्य सा प्रश्न होता है, इसका आंसर हर प्रश्न में अलग अलग मिलता है। कई बार मुझे मिला है पावर स्थानांतरण में और दूसरा कहता है कि टॉर्क ट्रांसमिशन में, तो ये दोनों में से बीच का हमें लगता है कि कोई आंसर होता है। और लेकिन गियर की बात करें तो गियर का फंक्शन आप देखेंगे तो सीधा सीधा आपका इंजन से व्हील को जोड़ने का काम होता है। तो कह सकते हैं टॉर्क भी ट्रांसमिशन कर सकता है, पावर भी ट्रांसमिशन कर सकता है। तो इस दोनों में से जो आपको सही आंसर लगेगा उसका ध्यान रखिएगा। तो मेरे तरफ से यहाँ आंसर ए प्लस बी दोनों हो सकता है, और या दोनों में से कोई एक रहेगा तो एक भी होगा। तो ये आप देख लेंगे अपने तरफ से, और जो अच्छा कॉमेंट रहे, जो अच्छा लगता है, अच्छी आपकी सोर्स से देखा है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जिससे बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर पूछ रहा है स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड के मध्य गैप होता है, स्पार्क प्लग में गैप होता है, तो स्पार्क प्लग का कुछ इस तरह का होता है, बीच में एक आपका यहाँ टॉपिक होता है, इसमें और इसमें कितना गैप होता है इस पॉइंट में वो बताना है आपको। तो यहाँ पर है 0.2 से 0.4 mm, 0.45 mm से 0.6 mm, 0.6 से 0.8 mm, 0.8 से 10 mm, तो इतना 10 mm तक तो होता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताना है राइट आंसर। तो ये गैप होता है 0.45 से 6 mm के बीच में, राइट आंसर आपके पास बी है। उसके बाद कह रहा है कौन सा ईंधन भविष्य का ईंधन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आ सकता है आपका प्रश्न इससे, तो दोनों में आप याद रखिएगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन को, इथेनॉल को, मेथेनॉल को, तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन को कहते हैं, और हाइड्रोजन क्या है, सबसे क्लीन एनर्जी भी है, आगे इस प्रश्न को हम लेंगे एक बार। तो हाइड्रोजन भविष्य के ईंधन के रूप में कहा जाता है, और इसकी अभी रिसर्च स्टेज और कहीं कहीं यूज भी किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन सबसे अच्छा ईंधन भविष्य का ईंधन की बात की जा रहा है। उसके बाद आगे बात कर रहे हैं हम 39 नंबर प्रश्न में, तो 39 नंबर प्रश्न आपका आप मर्जन यानी अस्कैबेनिंग प्रक्रिया है उसके बारे में पूछ रहा है। चलिए एक बार डिस्टर्ब हो गया, इसे एक बार एडजस्ट कर लिया जाए। एडजस्ट करने के बाद अगर इसमें पूछ रहा है कि आपको बताना है आप मर्जन की प्रक्रिया क्या है, तो पहला कह रहा है सिलेंडर में कंप्रेसर एयर भेजना यानी कंप्रेस करके एयर भेजना, दूसरा कह रहा है सिलेंडर से जली गैस को बाहर भेजना, दूसरा कह रहा है वायु को द्वारा सिलेंडर से भेजना, और सिलेंडर को गर्म या हॉट करने कर निकालना। तो ध्यान दीजिएगा जब आप एक ईंधन देखते हैं, कई बार इंजन देखते हैं, तो इंजन से एक पाइप द्वारा बाहर की तरफ धुआं छोड़ने के लिए एक सिस्टम लगा हुआ होता है, तो इसमें धुआं के साथ गैस जो बाहर निकलते हैं ये क्या होता है, सिलेंडर से जली हुई गैस को बाहर निकालना जिसमें CO2 की मात्रा भी ज़्यादा होता है, और इस गैस को सिस्टम को कहते हैं अपमर्जन प्रक्रिया ऑफ आपका डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, कोई भी ईंधन हो उसमें कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी है सिलेंडर से जली बाहर निकलना, और आजकल ये पोल्यूशन कंट्रोल में चल रहा है तो इसको लिमिट कर दिया गया है कि आपको बिल्डिंग से ऊपर हाइट में इसे रखना होता है। तो कई बार आपने देखा होगा गाँव देहात या कई शहरों में डायरेक्ट जोड़ के आपके घर के सामने या घर के गलियों में छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये टेक्निकली गलत है क्योंकि CO2 की मात्रा ज़्यादा होता है और ये पोल्यूशन आपको बढ़ाता है, तो इसकी हाइट लिमिटेशन कर दी गई है कि आपको इन्वायरमेंट में छोड़ना होता है अगर यूज करना है तो। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न का आंसर मिल चुका है सिलेंडर से जली गैस को बाहर निकलना। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है इंजन से प्राप्त शक्ति को स्मूथ रूप में किस पार्ट के द्वारा प्राप्त किया जाता है, स्मूथ रूप में किस पे प्राप्त किया जाता है इंजन से प्राप्त शक्ति को, इंजन को चलाने के बाद जो पावर डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे प्राप्त होता है, तो ये कह रहा है गवर्नर में, दूसरा क्रैंकशाफ्ट में, तीसरा गियर बॉक्स में और चौथा फ्लाईव्हील में। तो जितनी भी प्रोसेस होती है आपको पहिए को घुमाने के लिए हम कहते हैं ऑटोमोबाइल, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो या आपका 10-wheeler हो, कोई भी टाइप का व्हीलर हो, तो जो भी इंजन की पावर डेवलप होती है वो कहाँ जाती है, फ्लाई व्हील पे, और यही फंक्शन है ऑटोमोबाइल को।
कि क्योंकि आपको मूवमेंट करना है पहिए को, तो राइट आंसर यहाँ पे डी है। उसके बाद आपके पास 11 नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है गतिपालक, यानी गतिपालक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई व्हील, बहुत कठिन हिंदी है। पहिए का आकार 2 स्ट्रोक की तुलना में 4 स्ट्रोक में होता है। ध्यान दीजिएगा, 2 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा पहिया बड़ा होगा या 4 इंजन में बड़ा होगा वो बताना है। पहला ये कह रहा है छोटा होता है, दूसरा कहता है बड़ा होता है, तीसरा बराबर होता है, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहिए का आकार 2 स्ट्रोक की तुलना में 4 स्ट्रोक में बड़ा होता है। 2 स्ट्रोक में पहिया छोटा होता है और 4 स्ट्रोक में बड़ा होता है, क्योंकि उसकी मोमेंटम और उसकी पावर स्ट्रोक के दोनों को रेशियो बनाने के और इफिशेंसी बनाने के लिए पहियों को बड़ा बनाना पड़ता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, तो 42 नंबर प्रश्न को और देखें। निम्नलिखित में किस प्रकार के कार्बोरेटर प्रयोग होता है, कार्बोरेटर आ गया किस में है, कौन सा इंजन होगा, IC इंजन होगा या CI इंजन होगा। तो ध्यान दीजिए, IC इंजन होगा, CI नहीं होगा। तो कार्बोरेटर का प्रयोग किस टाइप का होता है वो बताना है। तो कंसेंट्रिक टाइप है, दूसरा एसेंट्रिक टाइप है, तीसरा क्षैतिज टाइप है और चौथा ऊर्ध्वाधर टाइप है। तो इसमें से कौन सा होगा वो बताना है आपको, 42 नंबर प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोरेटर को ऊर्ध्वाधर टाइप लगाया जाता है, राइट आंसर आपका डी है। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न गवर्नर, गवर्नर का क्या काम है, और राज्यपाल नहीं समझ जाइएगा, गवर्नर, गवर्नर यहाँ पे है फ्यूल कंट्रोल से रिलेटेड। और इसमें हम चलेंगे आगे, प्रश्न ढूंढेंगे। निष्क्रिय स्ट्रोक के समय ऊर्जा प्राप्त करना परिणामी भागों के कारण हुए कंपनों को नियंत्रित करना, जब पिस्टन के डेड केंद्र पे होता है तो ऊर्जा प्रदान करना, किसी औसत डीजल औसत स्थिर गति पे इंजन चलाना। तो गवर्नर का काम यही होता है कि आपके इंजन को फ्यूल कंटिन्यूअस मिलते रहे, क्या मिलते रहे, फ्यूल कंटिन्यूअस मिलते रहे, लेकिन क्या मिले, कांस्टेंट स्पीड के लिए। यानी आपको स्पीड बढ़ाना है तो फ्यूल कितना मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए। स्पीड कम करना है तो फ्यूल को कम करना है। ये काम किसका है, गवर्नर का, और ये काम डिफ्लेक्ट करता है किसी औसत स्थिर गति पे इंजन को चलाना, यानी इंजन को फिक्स रखना है लेकिन फ्यूल को कंट्रोल करना है, ये काम होता है गवर्नर का। उसके बाद हमारे पास 44 नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि भाप इंजन या बाह्य इंजन का प्रयुक्त गवर्नर होता है, इसके बारे में बात करना है, कौन सा प्रयुक्त गवर्नर, किस प्रकार के गवर्नर को लगाया जाता है। तो पहला कह रहा है मात्रात्मक गवर्नर, दूसरा क्वालिटेटिव गवर्नर, तीसरा हीट और मिस गवर्नर, और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो भाप इंजन में प्रयुक्त गवर्नर होता है वो हीट एंड मिस टाइप के गवर्नर यूज होता है, राइट आंसर यहाँ पे आपका सी है। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न है पेट्रोल इंजन फिर से आया है, और पेट्रोल इंजन में गवर्नर पूछ रहा है, पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त गवर्नर कौन सा होता है। तो हीट एंड मिस हमने बात कर लिया किसमें है, भाप इंजन में, तो यहाँ काट देते हैं, आपके लिए एक ऑप्शन छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे है मात्रात्मक गवर्नर, दूसरा क्वालिटी और तीसरा सभी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर डी नहीं है तो आपका सी नहीं है तो डी भी नहीं होगा, क्योंकि एक नहीं है तो सभी नहीं है। तो अब 2 ऑप्शन आपके पास बच गए, क्वालिटेटिव और मात्रात्मक। तो ध्यान दीजिएगा, मात्रात्मक गवर्नर यूज होता है पेट्रोल इंजन में, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं, राइट आंसर आपका ए है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, अगले स्लाइड पे 46 नंबर से। तो 46 नंबर हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं, तो 46 नंबर को आप ध्यान से देखेंगे तो इंजन की ब्रेक, इंजन का ब्रेक शक्ति प्राप्त होता है किस पे, कहाँ पे प्राप्त होता है वो बताना है। पहला कह रहा है क्रैंकशाफ्ट पे, दूसरा कह रहा है सिलेंडर में उत्पन्न, तीसरा फ्लाई व्हील पे, और तीसरा पिस्टन हेड पे, तो इसमें से चौथा है पिस्टन हेड पे। तो कहाँ पे इंजन की ब्रेक शक्ति प्राप्त होती है वो बताना है आपको, 46 नंबर प्रश्न है, और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो जितनी भी ब्रेक शक्ति उत्पन्न होती है वो फ्लाई व्हील पे होती है रोकने के लिए। तो ये राइट आंसर आपका सी है, फ्लाई व्हील पे, यानी पहिए पे कह सकते हैं, पहिए पर। उसके बाद हमारे पास 47 नंबर प्रश्न है रेडिएटर, रेडिएटर का कार्य है, क्या काम है, वर्क और रेडिएटर का क्या है। तो पहला कह रहा है लुब्रिकेंट ऑयल को ठंडा करना, दूसरा कह रहा है इंजन जैकेट को गर्म को ठंडा करना, शीतलन की वायु को पूर्ति करना, और शीतलन के लिए
पानी का फिल्टर करना, यानी शीतलन मतलब आप समझ सकते हैं एयर कंडीशनिंग बोल रहा है, तो इसके लिए यूज है क्या, तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है। लेकिन इससे पहले हम छोटी सी एक डिस्कशन कर लेते हैं। आपका एक है, एक पूरी इंजन है, इंजन में क्या मूव करता है, आपका पिस्टन, पिस्टन के नीचे क्रैंकशाफ्ट होता है, और इंजन में आपके लगे हुए हैं दो तीन वाल्व लगे हुए होते हैं, चार अलग अलग टाइप के, एक पिस्टन की बात कर रहे हैं, और इधर पिस्टन, इधर पिस्टन, इधर एक सक्शन, इधर सक्शन, इस टाइप के अलग अलग एयर को सक और बाहर करने के लिए वाल्व लगता है, जिसको कंट्रोल भी किया जाता है। लेकिन जब इंजन मूव करता है तो ये पूरी हेड क्या होती है, गर्म होती है, और इसमें बने हुए होते हैं छोटे छोटे अलग अलग सेक्शन, जिसमें वाटर का रेडिएट करके पानी घूमते रहता है। तो ये पानी कहाँ से आता है पता है आपको, रेडिएटर से आता है। तो रेडिएटर से यहाँ तक आने और फिर रिटर्न आने, यानी यहाँ हेड में जो गर्मी पैदा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो आपके चेंबर में हीट पैदा हो रहा है उसको रिमूव करके रेडिएटर में, और रेडिएटर ठंडा करके फिर से आपको इंजन में लाना, ये काम है रेडिएटर का। तो यहाँ देख सकते हैं इस प्रश्न में आंसर में बी में है, इंजन के जैकेट से गर्म पानी को ठंडा करना रेडिएटर का मेन पर्पस है। और इंजन का जैकेट क्या है, जहाँ पे वो रिब्स बने हैं, जहाँ पे पानी इंजन के हेड में जाके वहाँ की गर्मी को रेडिएटर तक लाता है। तो ये राइट आंसर आपका बी है। उसके बाद ऑटोमोबाइल 48 नंबर प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में समानता प्रयुक्त होने वाला एंटी फ्रीजिंग मिक्सर कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आता है। पहला बोला है ग्लाइकॉल, दूसरा करा है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल हेक्टेन है, आइसो ऑक्टेन है, और लीड इथाइल है, इथाइल है, तो कौन से होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है ग्लाइकॉल होते हैं एंटी फ्रीजिंग, बर्फ तक नहीं जमने की यूज करने के लिए ग्लाइकॉल का यूज करते हैं। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न, जिसमें कह रहा है आईसी इंजन में BPH ब्रेक हॉर्स पावर या बैक हाउस पावर, दूसरा IPH यानी जनरेटेड हॉर्स पावर की तुलना में क्या होता है, BHP का मान IHP की तुलना में क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, इक्वल होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। 49 नंबर प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा BHP हमेशा कहाँ मिलती है आपको, शाफ्ट पे, और शाफ्ट को थोड़ा सा और कह दे तो पहिए पे, BHP आपको कहाँ मिलती है, पहिए पे, और हिंदी में कहें और सबसे सिंपल भाषा में कहें तो आउटपुट पावर कहें, तो आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से क्या होता है, कम होता है। राइट आंसर आपका ए है, लेस 49 का। उसके बाद हम 50 नंबर और 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो 50 नंबर प्रश्न देखेंगे तो यहाँ बता रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही इक्वेशन है वो बताना है। तो अभी हमने थोड़ा सा इसका डिस्कस किया था IHP और BHP, तो कह रहा है IHP आप जान गए होंगे, BHP जान गए, माइनस क्या कर रहा है FHP फ्रिक्शन हॉर्स पावर या फ्रैक्शन हॉर्स पावर। उसके बाद बोला है IHP बराबर BHP प्लस FHP बराबर जीरो, और तीसरा कह रहा है FHP बराबर BHP माइनस IHP, और चौथा कह रहा है IHP बराबर BHP बराबर FHP। तो सबसे अच्छा उदाहरण ये होता है IHP बराबर BHP प्लस HFP, यानी जो लॉस FHP फ्रिक्शन हॉर्स पावर लॉसेस के टर्म में जा रहा है, और जो आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट के बराबर, इनपुट हॉर्स पावर के बराबर होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी है। उसके बाद सेंटर सेटेन नंबर दर्शाता है किसका, किसके लिए, तो सेटेन नंबर किसके लिए यूज होता है ये भी आप बताएंगे, और ऑक्टेन नंबर किसके लिए यूज होता है वो भी बताएंगे। तो आप आंसर में ज़रूर लिखिएगा सेटेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है। तो सेटेन नंबर पेट्रोल से संबंधित है, और इसमें कह रहा जा रहा है कि क्या क्या है, तो इग्निशन क्वालिटी, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, ऑयल विस्कोसिटी, क्वालिटी ऑफ फ्यूल, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, कितना क्वांटिटी में फ्यूल है उसके बारे में बताता है ये सेटेन नंबर। तो ध्यान दीजिएगा इग्निशन क्वालिटी बताता है, सेटेन नंबर जितना अच्छा होगा उतना इग्निशन क्वालिटी होगा, और इसकी वैल्यू भी बात करेंगे आगे वीडियो में, कितना सेटेन नंबर डीजल इंजन की होती है, डीजल की होती है, कितना ऑक्टेन पेट्रोल की होती है, उस टाइप से दोनों जो होगा, डीजल पेट्रोल में कन्फ्यूज अभी हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे सेटेन नंबर बताता है इग्निशन क्वालिटी की। उसके बाद हमारे पास
आ गया प्रश्न जिसकी बात कर रहे थे, सेटेन नंबर डीजल इंजन का होता है, ये बताना है सेटेन नंबर ऑफ डीजल इंजन, यानी सेटेन नंबर किसके लिए होता है, डीजल इंजन के लिए, और ऑक्टेन नंबर होता है पेट्रोल इंजन के लिए, चलिए उसको बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ बता रहा है डीजल इंजन के लिए सेटेन नंबर कितनी होती है, 52 नंबर प्रश्न है, और 52 नंबर में बताना है आपको यहाँ पे 100 से 200, 100 से 300, दूसरा 48 से 50, और तीसरा कह रहा है 20 से 30। तो ध्यान दीजिएगा 48 से 50 होता है सेटेन नंबर, और इसको डीजल इंजन के टर्म में देखते हैं तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी है। उसके बाद 52 नंबर के बाद अगले बाद हम चलेंगे 53 नंबर प्रश्न पे। तो 53 नंबर प्रश्न आपके पास आएगा जिसमें पूछ रहा है कौन सा ईंधन न्यूनतम यानी मिनिमम पोल्यूशन उत्पन्न करता है, उसके बारे में बात करना है। तो हमने थोड़ी देर पहले बात किया था फ्यूचर इंजन, फ्यूचर के बारे में ईंधन क्या है, कौन सा भविष्य का ईंधन है। दोनों आंसर सेम है, तो यहाँ पे पहले देखिए डीजल लिखा हुआ, दूसरा पेट्रोल है, फिर हाइड्रोजन है, और तीसरा किरोसिन है। तो ध्यान दीजिएगा फ्यूचर इंजन जो हम बोले थे मीथेन है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन ही सबसे कम पोल्यूटेड इनमें से सभी से है, किरोसिन डीजल और पेट्रोल से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी है। उसके बाद एक साइकिल में स्पार्क रफली लास्ट होता है, एक साइकिल में कितनी देर में स्पार्क ख़त्म हो जाता है, एक साइकिल की बात कर रहा है। तो यहाँ टाइम देखिए मिली सेकंड में है, 0.001 सेकंड, दूसरा कह रहा है 0.01 सेकंड, और तीसरा कह रहा है 0.1 सेकंड, और तीसरा कह रहा है 1 सेकंड में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बी राइट आंसर है, 0.01 सेकंड में स्पार्क मतलब रफली लास्ट हो जाता है, राइट आंसर बी। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न जिसमें पूछ रहा है इंजन की सूचित शक्ति यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर, और कहे इसी को बोलते हैं IHP, जो पहले भी बात कर लिए हैं, उसके बारे में पूछ रहा है क्या होता है। तो 55 नंबर प्रश्न यही पूछ रहा है, तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर प्राप्त होता है कहाँ पे, क्रैंकशाफ्ट पे, सिलेंडर पे, फ्लाई व्हील पे, गियर पे। तो ईंधन कोई भी हो लेकिन पावर डेवलप होने की जगह आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मैक्सिमम पावर डेवलप होता है, तो सिलेंडर पे होता है। तो सिलेंडर पे पावर डेवलप होने के बाद कैसे कैसे क्या होता है इसको भी एक बार अगर डिस्कस कर ले, तो सिलेंडर पे जो पावर डेवलप होता है वो किस पे मूव करता है, आपके क्रैंकशाफ्ट पे, क्रैंकशाफ्ट पे कनेक्टिंग रड पे, और कनेक्टिंग रड से जुड़ा हुआ रहता है क्रैंकशाफ्ट, और क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है शाफ्ट, यानी सबसे ज़्यादा पावर मिलेगा आपका किस पे, सिलेंडर पे, उसके बाद मिलेगा आपका कनेक्टिंग रड पे, उसके बाद कनेक्टिंग क्रैंकशाफ्ट पे, और फाइनली जो लोड आपका आता है वो फ्लाई व्हील पे आता है। तो ये कंडीशन है, ऊपर से नीचे की तरफ लोड का ट्रांसफ़र होता है, और इसमें कुछ जो लॉसेज हो जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन हॉर्स पावर के टर्म में दिखाया था, और IHP बराबर आपने देखा BHP प्लस FHP। तो ये टर्म यहीं से डेवलप होता है, लेकिन हमारा आंसर था सिलेंडर पे उत्पन्न पावर है IHP। उसके बाद क्वाइल इग्नाइटर में प्रयोग किए गए वोल्टेज की सप्लाई कितनी होनी चाहिए, तो हमने क्वाइल इग्नाइटर का पहले बात किया था जिसमें बोल किया था कि उसके आउटपुट कितनी होती है, तो आउटपुट हमने बात किया था क्या किया था, 12,000 से 20,000 वोल्ट तक होती है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि इनपुट सप्लाई कितनी होनी चाहिए, यहाँ 12,000 वोल्ट दिया हुआ है, 24 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है। तो नॉर्मली 12 वोल्ट की एक सप्लाई की बैटरी लगी हुई रहती है गाड़ियों में इग्निटर कॉइल के लिए, तो ये 12 वोल्ट से उसको सप्लाई प्रोवाइड कराता है इग्निटर को। उसके बाद 57 नंबर चोक का कार्य क्या है वो बताना है, रिच मिश्रण तैयार करना, लीन मिश्रण तैयार करना, वायु एवं पेट्रोल की मात्रा को निश्चित करना, और इनमें से सभी का। तो वायु और पेट्रोल की मात्रा निश्चित करने के लिए क्या लगा हुआ रहता है, कार्बोरेटर। तो लास्ट सी आंसर आपके पास नहीं है, तो 57 नंबर में आपके पास प्रश्न का आंसर इनमें से सभी भी नहीं होगा, तो ए या बी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा रिच मिश्रण तैयार करना काम होता है चौक का, और सर्दियों में चौक को हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट करते वक्त इंजन को ओपन कर देते हैं, जिससे क्या मिलता है ज़्यादा,
ऑक्सीजन ज़्यादा गाड़ी को मिलता है, यानी एयर ज़्यादा मिलता है। तो एयर ज़्यादा मिलने के लिए क्या होगा, आपको चौक को ऊपर की तरफ कर देते हैं, खोल देते हैं और बाद में इसे बंद कर देते हैं। कई बार ये प्रश्न चौक से और आ जाता है, चौक किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो चौक में एक फिल्टर लगा हुआ रहता है बाहर की तरफ, जिससे वायु में मिले हुए डस्ट को कंट्रोल करता है। तो ये सब सारी चीज़ें एक एक करके आप देखते जाएंगे तो इंजन में क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ए। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न कह रहा है चोक लगा होता है कहाँ पे, तो ईंधन के प्रवेशित द्वार पे, वायु के प्रवेशित द्वार पे, नोजल पे और फ्लोट चेंबर में। तो कहाँ लगा होता है, तो आप एक मोटरसाइकिल की बात कर ले तो मोटरसाइकिल में सबसे पहले क्या लगता है आपका, फिल्टर। फिल्टर के बाद आपका लगता है चोक, चौक के बाद आता है आपका एयर और के लिए कार्बोरेटर, जहाँ पे फ्यूल और आयल मिलते हैं। तो फिल्टर के बाद से क्या आता है, फिल्टर में आपका एयर आता है और एयर के बाद लगता है चौक। तो कहाँ ये लग रहा है, वायु के प्रवेशित द्वार पे, जहाँ से हवा इंटर करता है ईंधन में, वहाँ पे लगता है आपका फिल्टर। तो यहाँ पे हमें आ रहा 58 नंबर का सवाल मिल गया, वायु के प्रवेशित द्वार पे क्या लगा होता है, चौक लगा होता है। उसके बाद हमारा इंजन का थ्रोटकल वाल्व के बारे में पूछ रहा था प्रश्न, तो इसको देख लें, इंजन में थ्रोटकल वाल्व किसकी मात्रा को नियंत्रित करने के लिए लगता है। तो पहला कह रहा है इंजन की, ईंधन की, दूसरा एयर की, तीसरा ईंधन और वायु के मिश्रण को, और आपका डी है लुब्रिकेंट की। तो किसके लिए यूज होता है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ईंधन एयर दोनों के मिश्रण को कंट्रोल करने के लिए थ्रोटकल वाल्व लगाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। उसके बाद हम आगे देखेंगे 60 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है पेट्रोल की रेटिंग प्रदर्शित होती है ऑक्टेन में, सेक्टेन में, पैराफिन में, एल्कीन में। 60 नंबर प्रश्न, जो हमने बात किया था कि हमने सीटेन नंबर किसके लिए होता है, तो डीजल के लिए होता है, तो ऑक्टेन नंबर किसके लिए होता है, तो पेट्रोल इंजन के लिए। राइट आंसर यहाँ पे ये है, जो हमारा पहले कंसेप्ट छूट गया था, यहाँ कंसेप्ट आपको हल हो जाएगा। तो 60 नंबर का ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की रेटिंग पर प्रदर्शित करता है। उसके बाद हम अगले नंबर पर चलेंगे, 61 नंबर प्रश्न। तो 61 नंबर प्रश्न आपका है वाटर लेवल, देख सकते हैं वाटर लेवल, आयल लेवल चेक किसी वाहन का किस मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है, ये कौन सा मेंटेनेंस बोलता है जब हम वाटर लेवल और आयल लेवल चेक करते हैं। तो पहला कह रहा है वो इंजन ओवर क्रॉसिंग, दूसरा कह रहा है कनेक्टिंग मेंटेनेंस, दूसरा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, और तीसरा और चौथा कह सकते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी 1, 2, 3, 4 इसमें से कौन सा मेंटेनेंस के अंदर आता है, वाटर लेवल और लूब आयल या आयल चेकिंग वाहन का। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के चेकिंग को बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि आयल है नहीं या नहीं है, गाड़ी स्टार्ट किए और चल दिए, लेकिन ये प्रिवेंटिव रूप में इसे देखना होता है कि सारी हमारी कंडीशन क्या है, वो आता है प्रिवेंटिव में। और कई बार इसी प्रश्न को रिपीट करके दूसरे टर्म में पूछ दिया जाता है कि ये चेक करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी किसकी होती है। तो ये जो ड्राइव करता है किसी गाड़ी को, उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वाटर लेवल और आयल लेवल या इसी टाइप के ब्रेक वगैरह जो सिस्टम नॉर्मल होता है उसको चेक करना काम होता है ड्राइवर को, उस गाड़ी को जो स्टार्ट करता है चाहे किसी रूप में हो, यहाँ पे उसे चेक करना है। उसके बाद हमारे पास 62 नंबर प्रश्न, जिसमें करा मोटरसाइकिल का गियर बॉक्स में लुब्रिकेंट भरने का उपयोग में लाते हैं, किसके द्वारा लुब्रिकेंट भरते हैं। एक आ रहा है ग्रीस गन, दूसरा कह रहा है स्प्रे गन, तीसरा कह रहा है मेटल स्प्रे गन, और तीसरा कह रहा है आयल गन। तो इनमें से कौन सा गन यूज करते हैं वो बताना है 62 नंबर प्रश्न में। मोटरसाइकिल के गियर बॉक्स में लुब्रिकेंट भरने का उपयोग में प्रयोग में लाते हैं, एक आ रहा है ग्रीस गन, दूसरा स्प्रे गन, तीसरा लेवल गन और तीसरा आयल गन। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा है, लास्ट आंसर है डी, आयल गन यूज करते हैं। 62 नंबर का प्रश्न डी है। उसके बाद हमारे पास 63 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछ रहा है भारतीय वाहनों में समानता हवा का स्राव टायरों में कितना होना चाहिए और कितना होता है वो बताना है। 75 kg/cm², 1.7 kg/cm², 17 kg/cm² और डी 170 kg/cm². तो राइट आंसर यहाँ पे बी है, बिना देखे हुए 1.7 kg/cm². उसके बाद 64 नंबर प्रश्न है, जिस वाहन से पिछले पहिए में ड्राइव मिलता है
कैसा केस्टर होता है वो बताना है। यानी आप ये गाड़ी में देखें तो गाड़ी में सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड, या फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, तो अगर इंजन की ड्राइव पावर फर्स्ट में मिलेगी तो क्या होगा और सेकंड में मिलेगी तो क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे सेकंड में है, तो सेकंड में मिल रहा है पावर इंजन का, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव कैस्टर बोलते हैं। तो ये राइट आंसर यहाँ पे ये है, और आगे के बारे में होगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन इस प्रश्न में हमारा है आंसर था पॉजिटिव, तो ये आंसर ये है। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है टू व्हीलर में किस प्रकार का ब्रेक प्रयोग होता है। पहला कह रहा है द्रव संचालित ब्रेक, यानी कह सकते हैं लिक्विड ब्रेक। दूसरा कह रहा है मैकेनिकल ब्रेक। तीसरा कह रहा है निर्वात यानी वैक्यूम ब्रेक। और चौथा कह रहा है मैकेनिकल एंड वैक्यूम, दोनों टाइप के ब्रेक कौन सा यूज होता है वो बताना है। तो जनरली टू व्हीलर जितने भी होते हैं उसमें यांत्रिक यानी मैकेनिकल ब्रेक रखता है, और ये सिलेंडर टाइप ब्रेक होता है या डिस्क टाइप के ब्रेक होता है, दोनों हो सकता है। तो दोनों में से आपको जो उचित लगे, तो यहाँ पे मिल गया है यांत्रिक ब्रेक टू व्हीलर में यूज होते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, डिस्क या सिलेंडर ब्रेक, दोनों टाइप के यूज किया जाता है। उसके बाद आगे हमारे पास है 66 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला है ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम के मध्य कितनी अंतर होनी चाहिए, कितना डिस्टेंस बना हुआ होना चाहिए। तो पहला कह रहा है 0.20 सेंटीमीटर, दूसरा कह रहा है 0.2 सेंटीमीटर, तीसरा कह रहा है 2 सेंटीमीटर, और डी कह रहा है 20 सेंटीमीटर। तो कितना बना हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पे बी है 0.2 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर आपको यहाँ मिल गया बी। उसके बाद हम ब्रेकिंग पद्धति का आधार 67 नंबर प्रश्न कह रहा है, जिसमें बोला है ब्रेकिंग पद्धति का अधिकार आधार क्या है, बेस क्या है, बेस के बारे में पूछ रहा है। तो वाहनों को पहिए को रोकना, ऊर्जा संचय करना, दूसरा ऊर्जा परिवर्तन करना, और इसमें से सभी वो बताना है आपका 67 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ देखिएगा ऊर्जा का परिवर्तन करना इसका बेसिक आधार है, वाहन रुकता है उसके बाद में, लेकिन ये ऊर्जा कन्वर्सन होता है। तो लास्ट आंसर इसमें सी है, ब्रेकिंग पत्ती का आधार ऊर्जा परिवर्तन करना है। उसके बाद अगला पूछ रहा है 68 नंबर, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम किस सिद्धांत पे काम करता है वो बताना है। पहला कह रहा है आर्टेमिज, दूसरा बॉयल, तीसरा पास्कल, और तीसरा बर्नार्डिस। तो ध्यान दीजिएगा जितने भी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होते हैं वो पास्कल के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी है 68 नंबर। उसके बाद वीडियो का लास्ट स्लाइड, जिसमें हमारे पास बाकी प्रश्न बचे हुए हैं उसको लेते हैं। तो यहाँ पे हम 60 नंबर देखते हैं, 69 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है, कौन सा पॉइंट विभिन्न कोनों पर पावर को ट्रांसमिट करता है वो बताना है, कौन सा पॉइंट। तो पहला कहला है यूनिवर्सल पॉइंट, दूसरा है स्लिप पॉइंट, तीसरा है क्वाड्रेंट पॉइंट, और चौथा है पिन पॉइंट। तो कौन सा इसमें सबसे कोनों को आधारित करता है, तो सबसे पहले है यूनिवर्सल पॉइंट है, और राइट आंसर ये है जिसको विभिन्न पावर ट्रांसमिट एंगल पे करता है, पावर का ट्रांसमिट करता है। उसके बाद 70 नंबर है, सड़क पे मोड़ पे कार के पहियों को फिसलने से रोकता है किसके, कौन पद्धति द्वारा, स्टीयरिंग पद्धति, दूसरा क्लच पद्धति, तीसरा डिफरेंशियल पद्धति, और चौथा आपका डी है पिन पॉइंट। तो इस टाइप के प्रश्न कई बार प्रश्न में आ जाते हैं, फिसलने से रोकना यानी डिफरेंशियल होना चाहिए। 70 का लास्ट आंसर आपका है सी, डिफरेंशियल पद्धति, तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। उसके बाद 71 नंबर है, फोर स्ट्रोक यानी फोर सिलेंडर इंजन में फायरिंग का ऑर्डर है, फोर स्ट्रोक नहीं, फोर सिलेंडर इंजन में सिक्वेंस क्या बनेगा, 1 2 3, 1 3 4 2, दूसरा कह रहा है 1 3 2 4, 1 4 3 2। तो इसमें देखिए एक अल्टरनेटिव होता है, पहला सिलेंडर, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, फिर दूसरा, ये फायरिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है। ऐसे ही बढ़ेगा अगर तो और सीक्वेंस बढ़ते जाएगा। तो ये राइट आंसर यहाँ पे बी है, फोर सिलेंडर इंजन के फायरिंग सीक्वेंस 1 3 4 2। उसके बाद हमारे पास अगला है सबसे अधिक श्यानता, विस्कोसिटी सबसे अधिक श्यानता किस आयल में होती है, ग्रेड बताना है, AC20, AC40, AC60, AC80। तो मैक्सिमम विस्कोसिटी किस में होती है, AC80 में, इस इन जिनमें से ऑप्शन में, तो राइट आंसर आपके पास डी है।
उसके बाद प्रश्न तक एयर कंडीशनिंग से लास्ट के तीन प्रश्न। तो एयर कंडीशनिंग में बोला किस प्रश्न तक का क्वथनांक यानी बॉयलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है यानी सबसे ज़्यादा होता है वो बताना है। ए है अमोनिया, दो है CO2, एफ 12 और यहाँ पे एफ 22 और मैक्सिमम इसमें से अभी क्लोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन के कारण, लेकिन प्रश्न अभी भी स्टिल बना हुआ है। तो एफ 12 का सबसे ज़्यादा बॉयलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है इनमें से। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न है जिसमें वह R22 का रासायनिक नाम, तो R22 को अगर और नाम से क्या जानते हैं, HFHC22 ध्यान दीजिएगा। तो इसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है मोनोक्लोरो डाइक्लोरोमीथेन, उसके बाद डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन और इनमें से कोई नहीं। तो CH4 का मीथेन का होता है, तो मीथेन के टर्म में ये मोनो और डाइक्लोरो दोनों टाइप का ये मीथेन होता है। तो राइट आंसर ये है मोनोक्लोरो डाइक्लोरो मीथेन या डाइक्लोरो मोनोक्लोरो मीथेन। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ये है। उसके बाद वीडियो का अंतिम प्रश्न जिसमें बोल रहा है रेफ्रिजरेटिंग मशीन की दक्षता नापी जाती है और पूछ दिया जाए, आपको कई बार पूछ दिया जाता है घरों में लगे हुए रेफ्रिजरेटर का इफिशेंसी किस में मापते हैं। तो यहाँ देखिए EPR है, एनर्जी इफिशियंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, दूसरा परसेंटेज में है, तीसरा COP में है और चौथा नन है। तो COP को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, इनमें से क्या है तो किसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो COP के टर्म में लिया जाता है और घरों में रेफ्रिजरेंट जो लगे हुए होते हैं उसका COP, एयर कंडीशनिंग की बात में हम करेंगे, एयर कंडीशनिंग जो एक टन या दो टन का AC लगा हुआ होता है उनकी COP करीब करीब 1.2 से या 2 तक होती है मैक्सिमम, जो एक से ज़्यादा हमेशा होता है COP, ये भी ध्यान दीजिएगा। कई बार पूछ दिया जाता है COP क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है तो 1.2 होता है। और जैसे जैसे बड़े बड़े प्लांट में चले जाएंगे इंडस्ट्रियल प्लांट में, तो वहाँ पे कई बार आपका एयर कूल्ड लगता है, जो बड़ी मशीन होती है करीब 40 टन 50 टन का, तो उनकी COP 2.5 होती है। और उससे बड़े बड़े सेंट्रलाइज प्लांट होते हैं दो 400-800 टन का कैपेसिटी का होता है, उनका COP 6+ आजकल आ रहा है। तो जितना COP ज़्यादा उतना आपकी मशीन की इफिशियंसी अच्छा, तो रेफ्रिजरेशन की इफिशियंसी को नापा जाता है COP में। और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न, तो उम्मीद है कि 26.5 मिशन अब्लिक 75 में हमने जो इतने टॉपिक बात किया है, ऑटोमोबाइल रेडियो ऑटोमोबाइल मोटर मैकेनिक्स और मैकेनिक व्हीकल्स का जो ट्रेड है, इनमें से करीब करीब कितने प्रश्न आएंगे वो आप एग्ज़ाम के बाद बताइएगा, लेकिन ये कंसेप्ट जितने थे सारे बेसिक और सारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। तो ये हमारा मिशन 26.5 का वीडियो चल रहा है, इसमें हमने इसमें जो आपके साथ डिस्कस किया, तो ये हमारा टेस्ट सीरीज का 14वां सीरीज है। और 14वां सीरीज में कहें तो ये 14 वीडियो का डिस्क्रिप्शन में 13 में लिंक मिलेगा और ये ऑटोमोबाइल मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक का मिशन 26.5 यानी 75 में से क्वालिफाई नंबर लाने के लिए ये वीडियो है जिसमें 75 क्वेश्चन की हमने बात किया। और कुछ लोग बोलेंगे कि क्या इसकी दूसरी वीडियो आएगी, तो देखिए टाइम लिमिट है, बाकी सब्जेक्टों को पूरा करना है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फिटर बहुत सारे ट्रेड है और यहाँ कहें तो टोटल है 57 ट्रेड, तो सभी की पॉसिबिलिटी नहीं है। और कुछ लोगों का सवाल आ रहा है टर्नर का बनाए, वेल्डर का बनाए, कुछ लोग बोल रहे हैं RAC के बनाए, तो एक व्यक्ति से सारा ट्रेड कवर करना बहुत मुश्किल है। और जितना हो सकता है, ये टेस्ट सीरीज में 14 हुआ तो टारगेट है कि अभी हमारे पास 25-20 दिन है, कम से कम इसको 20-25 तक ले जाया जाए टेस्ट सीरीज को, जिससे ज़्यादा लोगों को हेल्प करे मिले। थैंक यू, धन्यवाद।